आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बीजेपी ने की ममता की तारीफ, ममता बनर्जी को बताया भविष्य का प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र कल से होगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव। छत्तीसगढ़ में विवादास्पद आईपीएस कल्लूरी को बड़ी जवाबदारी, सचिवालय में मचा हड़कंप। नए साल के जश्न में विवाद, तीन दोस्तों ने मिलकर की चौथे की हत्या। और कानन पेंडारी में खुशी का माहौल, बाघिन के दो बच्चों की चहलकदमी का वीडियो आया सामने। नमस्कार, मैं हूं अनुराग और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी के तल्ख रिश्ते किसी से छुपे हुए नहीं है और दोनों दलों के नेताओं के बीच भी काफी तल्ख संबंध है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की दिल खोलकर तारीफ की और उनको भविष्य का भावी प्रधानमंत्री बताया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से जब पूछा गया कि क्या भविष्य में कोई बंगाल से पीएम बन सकता है तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में देश की पहली बंगाली प्रधानमंत्री बनने की अच्छी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ज्योति बसु भले ही प्रधानमंत्री ना बन सके लेकिन ममता जरूर बन सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो यह हमारे लिए गर्व की बात होगी। ममता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए घोष ने कहा कि वह उनकी अच्छी सेहत व जिंदगी में कामयाबी की दुआ करते हैं क्योंकि हमारे राज्य का भविष्य उनकी सफलता पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि वह स्वस्थ रहे ताकि वह अच्छा काम कर सके। उन्हें स्वस्थ रहने की जरूरत है क्योंकि अगर किसी बंगाली के पीएम बनने की संभावना है तो वे उनमें ही हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर कहा था कि 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद इसे लेकर चर्चा हो सकती है। नई सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र कल यानी 7 जनवरी से शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नए विधायकों को प्रोटोम स्पीकर दीपक सक्सेना शपथ दिलाएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद यह पहला विधानसभा सत्र 7 जनवरी से शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। विधानसभा में अंदर प्रवेश के लिए पास आवंटित किए गए हैं। कल से ही विधायकों को प्रोटोम स्पीकर शपथ दिलवाएंगे। विधानसभा में अभी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन होना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों कांग्रेस पार्टी के होंगे। भोपाल आईजी जयदीप प्रसाद ने विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जयदीप प्रसाद ने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिए 500 जवान तैनात किए गए हैं। शुरू हो रहा है 7 जनवरी से, तो उसको लेके कार्यकर्ता और पार्टी के बहुत सारे लोग और नए विधायकगण सभी जो शपथ लेने वाले हैं कल आएंगे और उनके समर्थकगण भी आएंगे, उनके लिए पूरी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। पासेस जारी हुए हैं विधानसभा में, तो जिनको पासेस को जिनको अंदर आने की अनुमति होगी वो अंदर जाएंगे, जिनको बाहर होल्डिंग एरिया में रहने की अनुमति होगी वहाँ पे व्यवस्थाएं होंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग 550 का बल इसमें डिप्लॉय किया हुआ है, जिसमें कि सादी वर्दी में भी होंगे बल और यूनिफॉर्म में भी होंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के लिए साक्षात्काल समझे जाने वाले आईपीएस आईजी शिवराम प्रसाद कल्लूरी फिर सुर्खियों में। इस दफा कल्लूरी से भ्रष्ट लोग खौफजदा नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल ने कल्लूरी को एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू का मुखिया बना दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईपीएस शिवराम प्रसाद कल्लूरी को एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू का प्रभार क्या दिया। बघेल के इस कदम से अफसरशाही के रोंगटे खड़े हो गए हैं। प्रदेश में लंबे अरसे से भ्रष्टाचार में डूबी एक लॉबी तुरंत शिव
राम प्रसाद कल्लूरी के खिलाफ लामबंद होकर अपने अपने स्रोतों के माध्यम से सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गई है। कल्लूरी की नई पदस्थापना से शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर घुसाए बैठे मानवाधिकारवादी भी अचानक सक्रिय हो गए। समझा जा सकता है कि इनकी अचानक सक्रियता के पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अफसर को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर यह साबित किया है कि प्रशासनिक कसावट और राज्य हित के विषय पर उनकी कल्लूरी के प्रति निजी नाराजगी मायने नहीं रखती। निश्चय ही यह निर्णय मुख्यमंत्री की निष्पक्षता को दर्शाता है। बहरहाल देखना होगा कि नक्सलवादियों को नाको चने चबाने को विवश करने वाले शिव राम प्रसाद कल्लूरी भ्रष्ट लॉबी को कैसे कैसे दिन दिखाते हैं। नए साल का जश्न मनाने गए चार दोस्तों में आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि तीन ने मिलकर चौथे दोस्त की हत्या कर दी। ये सनसनीखेज वारदात बुधनी की है। घटना 1 जनवरी की है जिसका खुलासा अब हुआ। चार दोस्त नए साल का जश्न मनाने गए थे। वहां किसी बात को लेकर मृतक सिकंदर की और उसके साथियों की आपस में बहस हो गई। बहस इतनी बड़ी कि बाकी तीन दोस्तों ने सिकंदर को मौत के घाट उतार दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब 2 जनवरी को मुमताज ने बुधनी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका पति सिकंदर नए साल की पार्टी मनाने अपने दोस्त विजय, अरविंद और कपिल के साथ गया था और वह वापस नहीं आया है। 11:30 बजे से निकले, एक लड़के ने लेकर साथ में कपिल ने, और उधर ले जाके मारा पीटी किए, कुछ पता ही नहीं चला। क्या बोल के ले गए? इसकी पार्टी मनाएंगे नया साल की, और वहीं से लकड़ी भी ले आऊंगा। उसके पापा ने बोले थे, मैं बोली ठीक है मोहल्ले में रहोगे, मोहल्ले में बुराई होती पियो खाओ, तो उसके पापा बोले ठीक है मैं जंगल जा रहा हूँ, वहीं से लकड़ी भी ले आऊंगा और टाइम भी पास हो जाएगा। तो गए तो ऐसी हालत में आए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तत्काल विजय को बुला के उससे पूछताछ की। विजय ने पुलिस को बताया, अरविंद और कपिल के साथ 1 जनवरी की शाम को पार्टी करते समय सिकंदर से विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि सिकंदर का गला दबाकर उसे मार डाला और लाश को नाले में ले जाकर पत्तों से छिपा दिया। पुलिस ने विजय की बताई जगह पर छानबीन की तो सिकंदर का शव बरामद हो गया। पोस्टमार्टम कराकर शव को पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। विजय को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। वहीं पुलिस अरविंद और कपिल की तलाश जारी रखी है। बिलासपुर के कानन पेंडारी जियोलॉजिकल पार्क में बंगाल टाइगर्स का कुनबा बढ़ रहा है। कानन पेंडारी में बंगाल टाइगर्स के शावकों की किलकारी गूंजने लगी है। शावकों की निगरानी के लिए केज में लगाए गए कैमरे ट्रैप में कई नए शावकों के चेहरे कैद हुए हैं। कानन पेंडारी जियोलॉजिकल पार्क में इस समय खुशी का माहौल है। कानन प्रशासन ने बाघों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई है। नए मेहमान दोनों शावक अब अपनी मां रॉयल बंगाल टाइग्रेस शिखा के साथ अटखेलियां करने लगे हैं। शावक भी अपने मां के साथ इधर उधर चहल पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। कानन के प्रभारी अधिकारी अजय शर्मा ने बताया कि कानन पेंडारी जियोलॉजिकल गार्डन में 2 माह पहले नवंबर में रॉयल बंगाल टाइग्रेस शिखा ने 2 शावकों को जन्म दिया था, जिनमें से 1 नर और 1 मादा है। दोनों शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वे पूरे दिन अपनी मां शिखा के साथ उछल कूद करते हुए अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। हमारे यहाँ शिखा जो शेरनी थी, इसका 11 नवंबर को 2 शावकों को जन्म दिया था, और अपन CGIA की गाइडलाइन और सुरक्षागत कारणों से इनको हमने इनक्लोजर में रख के सुरक्षा में हमने रखा था, CCTV कैमरे की निगरानी में। अब बच्चे लगभग 2 महीने के होने जा रहे हैं और बच्चे स्वस्थ हैं। अब बच्चे स्वस्थ रूप से आगे उनके सर्वाइवल करने की संभावना है, तो जनता की जानकारी के लिए इसको हम प्रसारित कर रहे हैं कि हमारे पास 2 शावक कानन पिंडारी में आ चुके हैं, और मार्च माह में इसको डिस्प्ले में, दर्शकों के डिस्प्ले में हम इसको बाहर निकालेंगे। कानन प्रबंधन द्वारा दोनों शावकों का वजन किया गया, जिसमें नर का वजन 9 किलोग्राम वहीं मादा का 8.5 किलोग्राम बताया जा रहा है। दोनों शावकों की सुरक्षा के लिए अलग से इनक्लोजर में CCTV कैमरे की निगरानी में रखा जा रहा है। कानन में आने वाले पर्यटकों के लिए मार्च में दोनों शावकों को विजिटर डिस्प्ले में रखा जाएगा। थोराटी आत्महत्याकांड में लापरवाही की गाज लवकुशनगर थाना प्रभारी KD सिंह पर गिर सकती है। आला पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि वो दोषी अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेंगे। लवकुशनगर युवा कांग्रेस ने पुराना बस स्टैंड पर प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता ग्राम
थुराटी में हुए आत्महत्या कांड में दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। एडिशनल एसपी जयराज कुबेर के आश्वासन के बाद इस चक्काजाम को खोला गया। लखकुशनगर युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष दानिश खान ने बताया कि एडिशनल एसपी जयराज कुबेर द्वारा फोन से आश्वासन दिया गया कि लखकुशनगर थाना के ग्राम थुराटी में हुए आत्महत्या कांड के चलते थाना प्रभारी लखकुशनगर केडी सिंह के निलंबन की कार्यवाही की जा रही है। यह घटना जो थुराटी में हुई थी, थुराटी में एक व्यक्ति ने अपने दोनों बच्चों को पहले गला दबा के और उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली थी, उसके विरोध में है। क्योंकि आप सभी लोगों को जैसा कि पता है कि 15 लगभग डेढ़ महीने पहले मृतक की पत्नी ने भी सुसाइड किया था, आत्महत्या किया था और उसके साथ कहीं ना कहीं दुराचार हुआ था। जिसकी शिकायत जब हुई तो एसडीओपी ने जिसने गलत किया था या दुराचार किया था उससे रुपए लेके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हम दोनों के निलंबन की ही मांग कर रहे हैं। कल हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था एसपी साहब को और उन्होंने बताया था कि अगर 24 घंटे के अंदर नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे जाम करेंगे। आज उसी करने के लिए हम लोग आए हैं, हमारी पूरी टीम, और हम तक जब तक नहीं हटेंगे जब तक कि एसडीओपी और थाना प्रभारी दोनों ही सस्पेंड नहीं हो जाते। दानिश खान ने यह बताया कि एडिशनल एसपी ने कहा कि उपरोक्त संबंध में एसडीओपी लवकुशनगर के सीपाली की संलिप्तता की जांच भी की जाएगी। बढ़ते ट्रैफिक और ऐसे में गाड़ियों के टकरा जाने से हर रोज विवाद के हालात बनते हैं और ऐसे में कई जगह तो नौबत मारपीट तक पहुंच जाती है। ऐसा ही एक नजारा भोपाल के चौक बाजार में देखने को मिला जहां महिलाएं आपस में भिड़ गईं। भोपाल के भीड़ भरे चौक बाजार में गाड़ी टच क्या हुई, बात का बतंगड़ बन गया। इस जरा से मामले ने इतना तूल पकड़ा कि मैदान में महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया और जमकर मारपीट होने लगी। महिलाएं आपस में भिड़ी तो देखने वालों की भीड़ लग गई। लगभग 15 मिनट तक चौक में ये लोग हुज्जत करते रहे। बाद में भीड़ में से आकर कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और मामला शांत करवाया। छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का असंतोष नहीं है और पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। धरमलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अपने क्षेत्र बिल्हा पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में पहुंचकर धरमलाल कौशिक का जगह जगह स्वागत किया। कौशिक ने पार्टी में किसी भी प्रकार में असंतोष को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एक पद में कई दावेदार रहते हैं, लेकिन दावेदारों के इर्द गिर्द रहने वाले उनके समर्थक इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, इससे उन्हें या पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी सभी मिलाकर के प्रतिपक्ष की संख्या 22 है और ये पर्याप्त है कि आवाज़ को उठाने के लिए। बहुमत के आगे, सत्ता पक्ष के आगे अल्पमत की आवाज़ दबे नहीं, ये विधानसभा में व्यवस्था की गई। असंतोष की कहीं स्थिति नहीं है। स्वाभाविक रूप से जहां दावेदार होते हैं वो दावेदार के नहीं आने से उनके दावेदार में नहीं बल्कि अगल बगल के लोगों को लगता है कि मैं अपने नेता को खुश करूं और इसके लिए सब चलाते हैं। कौशिक का स्वागत सरगांव से शुरू हुआ। बिल्हा हिरीमाइन से जुलूस की शक्ल में कार्यकर्ता नए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक को उनके निवास तक ले गए। कौशिक ने विपक्ष को सशक्त बताते हुए सदन में जनता की आवाज को जोरदार ढंग से उठाने की बात कार्यकर्ताओं से कही। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मनोवैज्ञानिक और प्रेरक एस नीलकंठन ने कहा घर का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए कि वो वृंदावन सा लगे ताकि बच्चा तनाव मुक्त होकर अध्ययन कर सके। वहीं समाज और अध्यापकों का ये दायित्व है कि वे बाहरी वातावरण अध्ययन योग्य बनाने में बच्चे की सहायता करें। संत हिरदाराम ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एस नीलकंठ के मुख्य आतिथ्य और श्रद्धेय सिद्ध भाव की उपस्थिति में एक प्रेरक सत्र हुआ जहां बच्चों को बेहतर अध्ययन के लिए कैसा वातावरण दें इस पर चर्चा हुई। डॉक्टर नीलकंठ ने बताया कि पालक, समाज और गुरुजन यदि परस्पर सहयोग करें तो विद्यार्थियों का जीवन बदल सकते हैं। जहां पालकों को घर का वातावरण वृंदावन जैसा पुलकित बनाना चाहिए ताकि बच्चा तनाव मुक्त होकर अध्ययन कर सके, वहीं समाज और अध्यापकों का यह दायित्व है कि वे बाहरी वातावरण अध्ययन योग्य बनाने में बच्चे की सहायता करें। आज का जो प्रोग्राम था सर, ये पेरेंट्स के लिए था। कल जो बच्चे आए थे 7th से 9th तक, इनके ही मम्मी पापा को हमने निमंत्रण दिया था
परम श्री सिद्ध भाव जी ने उनको आमंत्रित किया था, तो उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अगर बच्चों को हम कुछ चीज बता रहे हैं और पेरेंट्स अगर उसी चीज को नहीं समझ रहे हैं, तो बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स शायद उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बच्चों के विचार में क्या परिवर्तन आ रहा है, उनको क्या टूल्स हमने दिया है, तो उसको हमने किया पेरेंट्स के माध्यम से। तो आज पेरेंट्स को कुछ नई चीजें बताई, पेरेंटिंग क्या होती है, आज पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, बच्चों के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, अगर हम सब पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर अगर एक साथ काम करें, एक दूसरे की मदद करें, तो सच बता रहा हूँ लाइफ बहुत आसान हो जाएगा। सिद्ध भाव ने बताया कि विद्यार्थियों को योग्य व्यक्ति बनाने हेतु स्कूल में पावन संस्कारों पर आधारित जो विभिन्न गतिविधियां और सत्र आयोजित किए जाते हैं, जैसे आरती करना, पक्षियों को दाना पानी देना, मांसाहार का त्याग, मोबाइल से दूरी, माता पिता और गुरुजनों का आदर करना, कुसंगति से बचाव आदि, उनमें से वे स्वयं उपस्थित होकर बच्चों को प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्या डॉक्टर चरणजीत कौर ने स्वागत उद्बोधन और डॉक्टर नीलकंठ का परिचय दिया तथा संचालन प्रतिमा दुबे परमार ने किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे थे दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।